अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद ज़र्दा। इसके लिए मैंने 500 ग्राम सेला बासमती चावल लिए थे। इसको मैंने 1.5 घंटा पानी में भिगो के और इसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के लिए इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा तेल डालना है। 3 गुना ज़्यादा पानी के अंदर आपको बॉईल करना है 100%। ये मैंने हाफ़ के जी यानी 500 ग्राम्स मैंने शक्कर ली है, जितने चावल हैं उतनी शक्कर ली। अगर आपको ये ज़्यादा लगती हो जिसमें आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं, वैसे ये बराबरी में डाली जाती है। और कुछ मीठे ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप शक्कर कम कर दें तो फिर वो अच्छी नहीं लगते वो मीठे, तो ये ज़रदा भी ऐसे ही है, ज़रदा मीठा ही अच्छा लगता है। उसके अलावा 150 ग्राम्स मैंने मावा लिया है। 1 कप दूध की ज़रूरत पड़ेगी। 1 कटोरी भरकर मैंने पाइनएप्पल लिया था, फ्रेश पाइनएप्पल, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चेरीज़ लिए हैं। ये आप अपने हिसाब से दोनों चीज़ें रख सकते हैं, आपको जितनी डालना हो उसका कोई रेशो नहीं होता। आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद हो कम डाल लीजिए। तो ये चेरीज़ हैं। उसके अलावा मैंने ये 1 टेबल स्पून 2 जगह मैंने चावल लिए थे और इसको मैंने ग्रीन कलर में भिगो दिया था, इसको मैंने रेड कलर में भिगो दिया था पानी में। और 1 घंटे के बाद मैंने अलग अलग दोनों को बॉईल करके ड्रेन करके ये चावल मैंने तैयार कर लिए हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको अलग अलग कलर्स में भिगो के और बॉईल कर लें। और एक तरीका ये है कि जब हम दम लगाने लगते हैं तो बिल्कुल लास्ट में, जैसे हम बिरयानी में कलर डालते हैं, ऐसे आप 2 कलर्स अलग अलग जगह पर डाल दें और दम कर दें, तो उसमें यह होता है कि वो काफ़ी फैल जाते हैं, कहीं गहरा कहीं हल्का रंग आ जाता है। तो ये वाला एक तरीका है। ये आप दोनों तरीके में से जो आपको आसान लगे आप वो इस्तेमाल कर लें। ये मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है, 5 हरी इलायचियाँ हैं और 5 लौंग हैं। उसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मैंने ये कुछ बादामें ली हैं, मेरे ख्याल 15 से 20 बादामें ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और इतने ही मैंने 15 से 20 काजू थे जिसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं बीच में से। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल लें। इसमें नारियल नहीं डाला जाता और इसमें किशमिश भी नहीं डाली जाती, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अंदर चिरौंजी डाली जाती है, तो चिरौंजी मैंने नहीं ली, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, आप इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं और हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो डालडा इस्तेमाल कर लें, वनस्पति घी, आप चाहें तो खालिस घी, मैं खालिस घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल में मत पकाइएगा क्योंकि ज़रदा तेल में नहीं पकाया जाता, उसका टेस्ट ही पूरा ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए घी गर्म हो गया, ये मैंने 1/2 कप घी लिया था और इसके अंदर अब हम ये लौंग और इलायची डाल रहे हैं। लौंग इलायची हो गई और इसमें हम सबसे पहले चावल डालेंगे आधे। आधे चावल के बाद हम इसके ऊपर आधी शक्कर डालेंगे। फैला के डालिएगा इसको, एक ही जगह इकट्ठा मत डालिएगा। ये मैंने 1/2 शक्कर इसमें डाल दी और फिर 1/2 चावल की लेयर। उसके बाद ये बाकी की जो शक्कर है आप ये डाल लें। और ये जो हमने दूध लिया हुआ है ये दूध हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसकी फ्लेम फुल रखेंगे दूध डालने के बाद और इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए रख रही हूँ, इतनी देर में ताकि ये शक्कर घुल जाए। उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए और इसको अब आप अच्छे से मिक्स कर लें शक्कर के साथ चावलों को। देखिए इसमें अभी काफ़ी पानी है क्योंकि जब शक्कर पिघलती है तो ये पानी छोड़ती है और उसके अलावा दूध भी है इसके अंदर। तो इसको अभी हम इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अभी हम फुल फ्लेम के ऊपर 5 मिनट और पकाएंगे, 5 से 7 मिनट, ताकि इसका ये थोड़ा सा पानी कम हो जाए। और पानी कम हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे। और इसी वक्त हम इसमें ये पाइनएप्पल हम इसी वक्त मिला रहे हैं इसमें, ये चेरीज़ हम बाद में डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो चावलों में आ जाए। ये भी आप इसको डाल दें। ये देखिए इसको 7 से 8 मिनट हो गए, इसको मैंने फुल फ्लेम पे ये पूरा पानी सुखा लिया। अब इसमें भी को थोड़ा सा पानी नीचे बचा है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने मावा लिया था ये आप इस पर मावा डाल दें और ऐसे हाथ से इसको आप क्रश कर लें मावे को। ये मावे के साथ ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे ये हम इस पर डाल रहे हैं और ये जो हमने एसेंस लिया था वनीला एसेंस ये भी हम इसी में डाल रहे हैं। और अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हम दम देंगे 10 मिनट तक। ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जैसे हम चावल दम देते हैं या बिरयानी के अंदर दम देते हैं, बस हम वैसे ही इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसको हम दम देंगे और फिर 10 मिनट बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ उसको। ये देखिए इसको 10 से 12 मिनट हो गए दम होते हुए और ये अच्छी तरह से दम हो गया।
ये नीचे देखिए पानी इसका बिल्कुल सूख गया है, इसको आप मिक्स कर लें। और ये जो हमने चेरीज ली थी ये चेरीज भी आप इसी में डाल लें। ये सारी चीज़ें मावा और चेरीज ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। और इसको जब मैं डिश आउट करूँगी तब मैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, बहुत तेज़ गर्म है ये अभी, उस वक्त मैं ये वाले चावल जो कलर्ड चावल हैं ये मिलाऊंगी। बिल्कुल डिश आउट करने से पहले मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। चिल्ड करके ये नहीं खाया जाता, ये वार्म खाया जाता है क्योंकि ये घी में पकता है। तो इसको फिर मैं जब डिश आउट करूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए सफ़ेद ज़रदा बिल्कुल तैयार है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसके अंदर ये कलर्ड चावल मिक्स कर लिए। मैंने इसमें दो कलर्स लिए हैं, आप चाहें तो इसमें तीन कलर्स भी ले सकते हैं, चार कलर्स भी ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मावा मावे से ये बहुत अच्छा बनता है। आप चाहें तो मावा अगर आपके पास नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, तो आप बग़ैर उसके भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा बनता है। अगर मावा हो तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा ये कि इसके अंदर जो मैंने एसेंस डाला है, अगर आपको एसेंस पसंद ना हो तो आप इसकी जगह केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, लेकिन ये जो वनीला एसेंस है इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एसेंस के साथ और ये बना के ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।